हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो क्लास में। हम आज से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम लिमिटेशन एक्ट यानी कि परिसीमन अधिनियम, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग एंड प्लेडिंग एंड कन्वेंसिंग, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि समितियाँ, निर्वचन की समितियाँ, ये सब यानी कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य है उनके लिए जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए ये सभी वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ साथ में अभी राजस्थान में JLO का एग्ज़ाम हो रहा है, JLO, उसके लिए ये वीडियोज़ इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, और ये समझेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या होता है। YouTube पर आपको LLB यानी कि लोह विधि से रिलेटेड हर कोई बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वो इंग्लिश में मिलते हैं या फिर हिंदी में मिलते हैं, तो इतना समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। इसलिए मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको कि साधारण भाषा में वो कानून की भाषा समझाऊं जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। इसलिए आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की शुरुआत में हम परिचय लेते हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या, ये अधिनियम क्या है, और फिर हम आगे आने वाले इसके जो भी धाराएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो हमारा है आज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको समझिए आप, क्या मतलब है इसका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का मतलब है कि जो भी कोर्ट में कार्यवाही होगी, जो भी पक्ष होगा, वो अपनी पक्ष साबित करने के लिए कोई भी सबूत देगा, उस सबूत को ही कहेंगे साक्ष्य। साक्ष्य कहो, सबूत कहो, एविडेंस कहो, एक ही बात है। बिना कोई सबूत कोई कोर्ट मन मर्जी से अपना फैसला या अपना डिग्री पारित नहीं करेगा। तो वो सबूत कैसे होंगे, सबूत क्या है, सबूत की परिभाषा क्या है, सबूत हम किसे कहेंगे, कौन सा सबूत सुसंगत है, कौन सा सबूत सुसंगत नहीं है, यह सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हमें बताता है कि कौन सा सबूतों की श्रेणी में आता है। सबूत के आधार पर ही कोर्ट, हर प्रकार का न्यायालय होता है, वो फैसला करता है। तो एविडेंस एक्ट में उस सबूतों के बारे में बताया गया है कि कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य गलत है, किसको हम तथ्य मानेंगे, कौन सा हमें साक्ष्य, आखिर है क्या चीज, इसके बारे में 1872 में बताया गया है। ये 1872 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये 1 सितंबर 1872 से लागू होता है। इसके अंदर तीन भाग है, 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। यानी कि हमें तीन भाग पढ़ने होंगे, उन तीन भागों के अंदर 11 अध्याय है, और फिर 11 अध्याय के अंदर अलग अलग 167 धाराएं टोटल है। धारा जो एक है, धारा एक के अंदर इसका नामकरण किया हुआ है और कहा गया है कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहलाएगा, 1872 कहलाएगा, ये इसका नामकरण है। धारा एक में ये बताया हुआ है कि ये अधिनियम
जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहलाएगा, ये धारा एक में दिया हुआ है। और ये भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त राज्यों में लागू है, पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत क्षेत्र में लागू है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि धारा 370 या अनुच्छेद 370 को 35A को हटा दिया है। उसके बाद अब ये पूरे भारत में लागू है, किसी भी स्टेट को छोड़कर नहीं। तो इस बार जो भी आज से नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें ये 100% क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहाँ कहाँ लागू है, कहाँ कहाँ परिवर्तनीय है। और उसमें आएगा कि भारत में, भारत और जम्मू कश्मीर दोनों में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में और सभी जगह, तो उसमें उत्तर होगा सभी जगह, यानी कि वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, भारत में भी लागू है। तो इसलिए ये नया क्वेश्चन है हमारे लिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे भारत में लागू है, और इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था, 3 भाग 11 अध्याय और 167 यानी कि 167 इसमें धाराएं हैं। अब हम आने वाले वीडियोज़ में इसके सभी आगे से पूरी बातें जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करना दो बार, और आगे हम इसको विस्तार से सब जानेंगे। थैंक यू।